स्वागत है आपका हमारे चैनल डी आर एस स्टडी पॉइंट में। तो पिछले वाला वीडियो जो मैंने बनाया था सिलॉग्स का, उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी पसंद किया और बहुत हद तक शेयर किया आप लोगों ने। तो उसके बाद वाला जो मेरा टाइप्स है वो आपका है कंडीशन ऑफ इधर, और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे टाइप्स का जिक्र किया था, ठीक है। और आप लोग क्या करना कि जिन लोगों ने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा होगा वो लोग क्या करना कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो आप जाकर वहां से क्लिक करके वहां पे उस वीडियो को देखें और शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिल सके उस वीडियो से, ठीक है। क्योंकि वो ऐसा वीडियो है जो आपका रेलवे SSC बैंकिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर आपका डिपेंडेबल है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हम क्या करते हैं कि फिर आगे हम लोग चलते हैं कंडीशन ऑफ इधर, और बताना है मेरे को इस वीडियो में। तो इस वीडियो को भी आप लोग वैसे ही प्यार देना जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो को प्यार दिए हैं। बस आपसे एक और बात कहना था कि आपसे बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। और वीडियो को शेयर करो जितना हो सके, जितना भी हो सके आप लोग उस चीज़ को शेयर करो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले जानेंगे कि सिलोलिज्म वाले में, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उसका चार फिगर था। पहला था उसका ऑल का फिगर था, दूसरा हम लोग का था आपका सम का, तीसरा था नो का, और फोर्थ जो था आपका वो आपका सम नॉट वाला फिगर था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, कंडीशन ऑफ इधर और देखेंगे, उसी चार फिगर में से आपका किसी दो कंक्लूजन पे आपका कंडीशन ऑफ इधर और लगेगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंडीशन ऑफ इधर और जो है इसका कंडीशंस क्या क्या है, किन किन कंक्लूजन में क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए उसमें, उसके बाद कंडीशन ऑफ इधर और लगेगा आपका, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंडीशन ऑफ इधर और का कंडीशन, ठीक। तो पहला वाला इसका जो कंडीशन है, ये पहला वाला जो इसका कंडीशन है, ठीक है, इसके ऊपर हम एक चीज़ लिख देते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कंडीशन ऑफ इधर और लगेगा तो हमेशा दो ही कंक्लूजन में, हमेशा कितना कंक्लूजन में लगने वाला है मेरा, ओनली टू कंक्लूजन में लगेगा। अगर ओनली टू कंक्लूजन कहने का मतलब क्या है कि अगर दो कंक्लूजन रहे तो या तो एक या तो दो होगा, ठीक है। अगर आपका तीन कंक्लूजन रहे तब आप बोलिएगा सर ये कैसे होगा कि आपका दो ही कंक्लूजन में कंडीशन ऑफ इधर और लगेगा। कहने का ये मतलब है कि या तो एक या तो तीन में लग सकता है, या तो एक या तो दो में लग सकता है, ठीक है। अगर चार कंक्लूजन होगा तो या तो एक या तो चार में लगेगा, या तो दो या तो चार में लगेगा, या तो चार या तो फिर आपका तीन में लगने वाला है। मतलब कंक्लूजन कितना भी रहे लेकिन कंडीशन ऑफ इधर और जो होगा आपका ओनली टू कंक्लूजन में लगेगा। तो हम लोग देखते क्या है कि उन दो कंक्लूजन में से क्या क्या होना चाहिए आपका जिसमें आपका कंडीशन ऑफ इधर और लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम। मतलब कहने का मतलब है कि आपका कंक्लूजन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है दोनों कंक्लूजन का मेरा बराबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वाला मेरा क्या है, दूसरा वाला क्या है, बोथ शुड बी प्रूव्ड रॉन्ग। मतलब दोनों जो आपका कंक्लूजन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, मेरा गलत होना चाहिए, ठीक है। One should be positive and another negative होना चाहिए। चलिए तो आपका एक क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस में आपका, एक बार फिर से सुन लो आप लोग क्या लिखा गया है कि इन टू कंक्लूजन मतलब दो कंक्लूजन में आपका यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम। मतलब जो ऊपर वाले में आपका सब्जेक्ट होगा वही आपका नीचे वाले में भी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, दोनों आपका बराबर होना चाहिए। फिर बोथ शुड बी प्रूव्ड रॉन्ग, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए आपका, बेसिक रूल से गलत होना चाहिए। दोनों क्या है, बेसिक रूल से आपका गलत होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू फिगर गलत होना चाहिए, है ना। उसके बाद तीसरा आपका क्या है, यहाँ पे तीसरा में क्या लिखा गया है कि दोनों में से कोई एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव हो और दूसरा वाला क्या होना चाहिए, आपका निगेटिव होना चाहिए। कहने का मतलब है किसी एक कंक्लूजन में आपका नॉट लगा हुआ होगा और दूसरे वाले में नॉट जो है वो नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है। तो एक आपका पॉजिटिव हो गया और एक आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है।
चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, इसी पे हम लोग एक इसका शॉर्टकट बना लेते हैं। शॉर्टकट कहने का क्या मतलब है कि मेरे पास दो कंक्लूजन में आपका दोनों का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए, ठीक है। दोनों क्या होना चाहिए, मेरा दोनों कंक्लूजन मेरा गलत होना चाहिए, और एक आपका पॉजिटिव हो तो एक आपका क्या होना चाहिए, आपका निगेटिव होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए आपका, एक आपका पॉजिटिव होगा तो दूसरा आपका क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल है क्या, ठीक है। जैसे क्या कि स्टेटमेंट हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में, देखे थे क्या स्टेटमेंट लिखे थे, सम ए इज बी, दूसरा क्या लिखे थे, सम बी इज सी, ठीक है, ये दूसरा लिखे थे। उसके बाद क्या है, किसके हिसाब से अगर हम लोग फिगर बनाएंगे, तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि फिगर इसका ऐसे बनेगा, सम ए इज बी एंड सम बी इज सी का, ठीक है। ये भी बताया था मैंने कि ए और सी में कोई रिलेशन नहीं चलेगा। किस किस केस में रिलेशन नहीं चलेगा, पहले तो ऑल वाला केस में रिलेशन नहीं चलेगा, दूसरा आपका सम वाले में नहीं चलेगा, तीसरा आपका किस में, सम नॉट में नहीं चलेगा, और फोर्थ जो आपका होगा वो नो वाले में रिलेशन नहीं चलेगा। एक बात और मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो आपका कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव वाला कंक्लूजन तो होने वाला है नहीं ऐसे भी, और ये ऑल सम वाला भी आपका चलने वाला है नहीं। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं क्या, अगर क्वेश्चंस में लिखा जाएगा सम ए इज सी, दूसरा क्या है, सम ए इज नॉट सी, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को ये वाला रूल फॉलो करना, बस देखना है कि आपका दोनों कंक्लूजन का आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मेरा बराबर है। तो देखो जो पहले आया वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और जो बाद में आया वो मेरा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाने वाला, ठीक है। तो अब क्या है कि आप पूछोगे कि सर अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उल्टा होगा तो क्या ये कंडीशन ऑफ इधर और होगा। देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उल्टा होगा तब होगा, कब, जब उल्टा होने के बाद भी वो गलत हो, ठीक है, आया समझ में। जैसे कि यहाँ पे सी रख दो और यहाँ पे ए रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ए यहाँ है और ए यहाँ है, सी यहाँ है और सी भी यहाँ आपका दिया गया है, ठीक है। तो आपका दोनों जो है वो अगर उल्टा भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों गलत होना चाहिए और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए और यहाँ पे मेरा सी रख दिए, ठीक है। अब देखो क्या है कि ए और सी के बीच में आपका सम का रिलेशन नहीं चलने वाला है, तो पहला वाला गलत, दूसरा सम इज नॉट सी, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सॉरी कंक्लूजन है, और आपका ये नेगेटिव वाला कंक्लूजन दिया गया है, तो एक आपका पॉजिटिव हो रहा है, दूसरा नेगेटिव हो रहा है, और एक आपका क्या है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर है और दोनों आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, थ्री, थ्री मीन्स कंडीशन ऑफ इधर, और ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि अगर पहला वाला कंक्लूजन सही है तो आपका फर्स्ट आंसर, दूसरा वाला सही है तो आपका सेकंड आंसर, अगर या तो एक या तो दो सही है तो आंसर तीन होगा। बेसिकली 99% क्वेश्चंस में ऐसा ही दिया रहता है, इसलिए मैंने इसका आंसर क्या कर दिया, थ्री, मतलब या तो एक या तो दो, इधर वन और टू करके आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाला हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। दूसरा वाला यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या, ऑल ए इज सी, ठीक है। दूसरा लिखेंगे सम ए इज नॉट सी, ठीक है, ये हो गया आपका। जैसे ही ये हो जाएगा तो ऑल ए इज सी, ऑल में भी आपका ए और सी का रिलेशन चलने वाला नहीं है, थोड़ा देर पहले मैं बता चुका हूँ। सम ए इज सी, सम में भी आपका सम, सम नॉट है, ठीक है, सम नॉट वाला तो ऐसे ही कट गया आपका, तो ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर है, तो आंसर इसका भी कितना हो जाएगा आपका, आंसर इसका भी आपका हो जाएगा थ्री। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला लेते हैं, यहाँ पे तीसरा वाला लेते हैं, ठीक है। तीसरा वाले में क्या है, यहाँ पे सम
ए इज सी, ठीक है, फिर दिया रहेगा नो ए इज सी, नो ए इज सी या फिर ऑल ए इज नॉट सी करके दिया रहेगा, दोनों आपका बात क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है, ठीक है। तो सम ए इज सी, नो ए इज सी करके दिया। देखो सम वाले में रिलेशन नहीं चलेगा ए और सी के बीच में, और नो वाले में रिलेशन भी नहीं चलेगा क्योंकि ये निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है और दोनों आपका गलत हो रहा है। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपके पास मैंने 3 एग्जांपल रखा है, इस 3 एग्जांपल को गौर से देखिए, समझिए और फिर बताइएगा कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो। उसके बाद क्या है कि एग्ज़ाम्स में मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, एग्ज़ाम्स में मेरे पास क्या है इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इसको बता सकें यहाँ पे कि ये कैसे एडजस्ट होगा, उतना देख नहीं सकते। तो हम लोग क्या किए हैं कि एक शॉर्टकट ट्रिक है ना, एक हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से क्या करेंगे, बस देखते पता चलेगा ये कंडीशन ऑफ इधर और है। और ये बात याद रखिएगा, ये बात आप याद रखिएगा कि ये आपका 3 जो हम कंडीशंस आपको बता रहे हैं, इसको छोड़ के किसी भी केस में कंडीशन ऑफ इधर और लगने का चांसेस नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला अगर कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन मतलब कंक्लूजन में ऑल प्लस सम नॉट हो, दूसरा सम प्लस सम नॉट हो, तीसरा सम प्लस नो हो, तो ये 3 कंडीशन में आपका आइदर और लगेगा, बस यही 3 कंडीशन जिसमें आपका कंडीशन ऑफ इधर और लगने वाला है। देखो क्या है कि इसमें आपका ऑल वाला पॉजिटिव है, सम नॉट नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है, सम नॉट नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है, नो नेगेटिव है, या फिर ऑल नॉट कर दो, बाद दोनों क्या है बराबर है। तो यही ऐसा 3 कंडीशन है जिसमें आपका कंडीशन ऑफ इधर और लगने वाला है ना। उसके पहले क्या होना चाहिए कि मेरा दोनों कंक्लूजन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए, ठीक है, और दोनों मेरा गलत होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन इसका ये बता रहा है। तो पॉजिटिव निगेटिव कहने का मतलब क्या है कि एक आपका पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा, है ना। तो किसी भी कंक्लूजन में आपका ऑल भी पहले आ सकता है, सम नॉट भी पहले आ सकता है। देखो यहाँ पे सम है, सम नॉट है, ऑल है, सम नॉट है, सम है, नो है, ठीक है। तो आपका 3 कंडीशन पूरा कवर हो रहा है, आपका तीनों कंडीशन में आपका क्या है, तीनों कंडीशन में आपका कंडीशन ऑफ इधर और लगने वाला है। इसको छोड़ के किसी भी केस में आपका कंडीशन ऑफ इधर और कभी नहीं लगेगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा, इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बाद में भी काम आ सकता है और यही काम आएगा, यही देखे कंडीशन ऑफ इधर और मेरा जो है केस हमको समझ में आएगा, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं इस पर, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं, स्टेटमेंट में लिखा गया होना चाहिए, स्टेटमेंट में मेरा लिखा गया होना चाहिए, यहाँ पे लिखेगा जैसे क्या, सम सम पेन आर रिंग, दूसरा लिखेगा सम रिंग आर बैट, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन देगा कैसे, इसका कंक्लूजन देता है पहले वाला क्या कि सम पेन आर बैट, दूसरा क्या देगा, नो पेन आर बैट। तो फिगर हम लोग इसके हिसाब से बना लेंगे, तो फिगर मेरा कैसे बनेगा, यहाँ पे पेन हो जाएगा, यहाँ पे रिंग हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बैट हो जाएगा। तो पेन और रिंग का, पेन और बैट का रिलेशन तो नहीं चलेगा क्योंकि सम इज बी है एंड सम बीच क्या है आपका, सी यहां दिया गया है, ठीक है। यहां पे सम पेन इज रिंग है एंड कुछ रिंग जो है आपका वो बैट दिया गया है। तो कभी भी पेन और बैट में रिलेशन चलने वाला नहीं है क्योंकि पेन और बैट आपका ए और सी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सम यहाँ दिया गया, नो यहाँ दिया गया, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो दोनों कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3
आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। हमेशा याद रखना कि ये 3 वाला ऑप्शन 2 वाले में भी इंक्लूड कर सकता है। चलो किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। अब क्या है कि एक नोट डाउन करके लिखना है एक चीज़, क्या ये हमेशा याद रहना चाहिए। मैंने तो बता दिया कि दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका बराबर रहेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा, है ना, और दोनों गलत भी होना चाहिए। कभी कभी क्या करता है यहाँ पे क्वेश्चन के कंक्लूजन, आपका क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, कंक्लूजन में चेंज क्या कर देगा, ऑल पेन आर रिंग, दूसरा क्या है नो पेन आर रिंग, ये ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि भैया पेन ऊपर भी पेन नीचे भी, रिंग ऊपर भी रिंग नीचे भी, एक आपका पॉजिटिव है ही एक आपका नेगेटिव है ही, दोनों काट के आंसर क्या कर देंगे मेरा 3 लगा देंगे। लेकिन इसका आंसर कभी 3 नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, हमेशा 4 होगा, मतलब नीदर नो, ये हमेशा याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, नीदर नोर होगा। एक नोट करके लिख लीजिएगा कि ऑल प्लस नो या ऑल नॉट वाले केस में इधर और नहीं होगा, इधर और नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी, मैंने आपको बताया क्या कि सिलॉक्स के सिर्फ 3 कंडीशंस में कंडीशन ऑफ इधर और लेगा, पहला ऑल और सम नॉट, दूसरा सम और सम नॉट, तीसरा नो और सम, यही 3 कंडीशन को छोड़कर किसी और भी कंडीशन में इधर और लगने का चांसेस नहीं है। और ये ऑल प्लस नो या ऑल नॉट वाले में कंडीशन ऑफ इधर और क्या होने वाला है, आपका नहीं होने वाला है। तो आई होप कि समझ में आया हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बात आपको और बता देना चाह रहे हैं कि अगर दोनों में से, दोनों कंक्लूजन में से कोई एक भी कंक्लूजन आपका सही हो गया तो आपका उसमें कंडीशन ऑफ इधर और नहीं लगेगा। मैंने कंडीशंस में ही लिखवाया था, आप लोगों को याद रहना चाहिए कि आपका दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, आपका गलत होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा बराबर होना चाहिए। अगर अपोजिट रहे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका क्या है कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए, बस ऑल और ऑल नॉट या नो वाले केस में आपका कंडीशन ऑफ इधर और नहीं लगेगा, इसका आंसर हमेशा क्या होने वाला है, नीदर नॉर होगा, ठीक है। दूसरा बात क्या, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट गया मेरे से एक चीज़, कि कभी भी रीस्टेटमेंट में कंडीशन ऑफ इधर और नहीं लगेगा, कंडीशन ऑफ इधर और नहीं लगेगा। कंडीशन ऑफ फिगर और का कहने का मतलब है कि या तो फिगर आपका 1 सही हो सकता है या तो आपका फिगर 2 सही हो सकता है। कहने का मतलब है कि या तो कंक्लूजन 1 वाला जो फिगर है वो सही होगा या तो फिर कंक्लूजन 2 वाला जो फिगर है आपका वो सही होने वाला है। लेकिन रीस्टेटमेंट वाले में क्या है, रीस्टेटमेंट वाले में तो आपका कोई एक ही फिगर बनेगा, इसलिए आपका रीस्टेटमेंट वाले में कंडीशन ऑफ फिगर और जो होने वाला है वो कंडीशन ऑफ फिगर और जो होगा वो नहीं लगेगा। तो रीस्टेटमेंट जो भी रहे उसमें कंडीशन ऑफ इधर और नहीं लगेगा। दूसरा क्या कि ऑल प्लस नो या ऑल नॉट वाले केस में कंडीशन ऑफ इधर और नहीं लगेगा। कंडीशन ऑफ इधर और लगेगा किसमें, तो आपका सिर्फ ऑल प्लस सम नॉट, सम प्लस सम नॉट और सम प्लस नो, हमेशा याद रखिएगा इस 3 चीज़ को। और इसी 3 चीज़ पे आपका सारा का सारा जो भी होगा सिलॉक्स आपका कंडीशन ऑफ इधर और वाला वो आपका सॉल्व हो जाएगा, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आने का पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि आज पॉसिबल ये कंडीशन ऑफ इधर और सीख लिए, हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ इधर और तो हो चुका मेरा, पॉसिबिलिटी हम लोग जानेंगे कि पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। तो जैसे आप लोगों ने पहले वाले वीडियो को प्यार दिया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, ठीक उसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को भी आप लोग क्या करो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो, जी भर के करो, आग लगा दो करते करते, ठीक है, क्योंकि सारे लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, बेनिफिट मिल सके। और जो लोग चाहते हैं कि मुझे कंडीशन ऑफ इधर और नहीं पता है, मुझे जानना है, तो उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, वो काम आपका है कि आप इस वीडियो को कैसे पहुँचाओगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ डियर स्टडी पॉइंट के साथ। Thank you.